तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो ड्रीम इलेवन विंसी प्रीमियर लीग T10 आज से स्टार्ट हो रही है। इसका भाई दूसरा मैच जो कि खेला जाएगा LSH वर्सेज SPB के बीच में, तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी मिलेगी। एक एक प्लेयर के स्टैट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, साथ ही अभी मैं आपको एक डेमो टीम बना के दूंगा और भाई फाइनल टीम है ना वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी भाई पहली बार वीडियो देख रहे हो ना तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे पहली बात भाई जो मतलब जितने भी भाई वीडियो देख रहे हो ना यार वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि आगे बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं तो भाई उनमें मोटिवेशन की जरूरत होगी। कुछ मैच अच्छे जाएंगे, कुछ मैच हो सकता है बुरे भी जाएं, ठीक है। लेकिन जो ये मतलब इस महीने जो हमने विनिंग किया ना वो भाई लाजवाब है, ठीक है। और जो भाई टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी है, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर हर मैच की टीम मिलेगी, ना पेड लिया है ना ही पेड लूंगा और ना ही पेड लेने दूंगा मेरे यूजर्स को, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैच भाई अब से 1 घंटे 40 मिनट बाद खेला जाएगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको जब वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 घंटा बचा होगा। तो जब भी आपको वीडियो मिले ना वीडियो को कंप्लीट देख लेना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि देखो लाइक करने में ना तो आपके पैसे जा रहे हैं ना ही भाई आपका टाइम जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं मैच के स्टेट्स के बारे में। तो LSH वर्सेज SPB के बीच मैच खेला जाएगा। अगर बात करें डेट एंड टाइमिंग की तो भाई आज रात को 12 बजे मैच खेला जाएगा। वहीं अगर पिच की बात करें तो काफ़ी अच्छा बैटिंग सरफेस है यहाँ पर, और भाई जो थोड़ी सी हेल्प है ना वो यहाँ पर पेसर्स को भी मिलने वाली है। तो अगर पेसर्स मतलब स्टार्टिंग में हेल्प लेने में कामयाब रहे तो भाई आपको बड़ा स्कोर नहीं देखने को मिलेगा, अदरवाइज भाई आपको यहाँ पर 90 से 100 के 110 के बीच में स्कोर देखने को मिल जाएगा। वेदर की बात करें तो भाई क्लियर रहेगा वेदर, बारिश वारिश के कोई भी चांसेस नहीं लग रहे। वेन्यू की अगर बात करें तो भाई वेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हो आरनस वेले ग्राउंड पर ये मैच खेला जाएगा जो कि सेंट विंसेंट में है। और सबसे बड़ी बात देखो यहां पर मैंने आपको वेन्यू के रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं करवाए जो मैं हर मैच में करवाता हूं। भाई देखो T10 मैच है और यहां पर जो इस वेन्यू पर रिकॉर्ड्स है ना वो ODI के, ठीक है, वनडे मैचेस के, तो उनका भाई कोई लॉजिक नहीं बनता जबरदस्ती आपका टाइम वेस्ट करके और आपका मतलब आपको मतलब कंफ्यूज करके कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए भाई मैंने नहीं दिखाए इस सीजन के जो भी मैच खेले जाएंगे उनके रिकॉर्ड सब मैं नोट डाउन करता रहूंगा और वो आपको दिखाता रहूंगा। यहाँ पर LSH के जो प्लेयर्स हैं उनके अगर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो विकेट कीपिंग करेंगे गिड्रोन पोप, यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 29 मैच में 377 रन है, गजब का प्लेयर है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की तो राइट हैंड बैट्समैन है यहाँ पर डेसरन मेलोनी, आप देख सकते हो 31 मैच में 481 रन है। इसके बाद भाई आएंगे यहां पर, देखो सबसे बड़ी बात यहां पर बैटिंग ऑर्डर नहीं है यहां पर बिल्कुल भी, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर मैं आपको आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, वो भी तब जब मेरे को कंफर्म लगेगा तो, ठीक है। अभी जो पहला मैच खेला गया ना उसमें भाई बिल्कुल भी बैटिंग ऑर्डर में नहीं थी प्लेइंग 11 जो हमें फैन कोड पर या और कहीं पर शो हो रही थी, तो इसीलिए भाई मैंने वो क्लियरली बोल दिया था कि बैटिंग ऑर्डर में नहीं है। देखो अगर बैटिंग ऑर्डर ऑफिशियल कहीं पर मेरे को अनाउंस होता हुआ मिला या इनके ट्विटर हैंडल पर कहीं पर भी तो भाई मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अदरवाइज भाई स्टार्टिंग के 1-2 मैच के बाद बैटिंग ऑर्डर हम कंफर्म करने वाले हैं। तो यहां पर अगर बात करें केविन ओडजे की तो आप देख सकते हो राइट हैंड बैट्समैन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा भाई बॉलिंग भी करवा लेते हैं, 11 मैच में यहाँ पर 121 रन और 5 विकेट है, मेन बैट्समैन है भाई। वहीं अगर बात करें एंड्रू थॉमस की तो 20 मैच खेले 140 रन 3 विकेट। JL वाल्टर्स की बात करें तो भाई 28 मैच में 101 रन है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डिलन डगलस की बात करें तो भाई 31 मैच में 744 रन 25 विकेट, CVC का बेहतरीन दावेदार रहेगा। इसके अलावा भाई ओथनेल लेविस की बात करें तो भाई 31 मैच में 191 रन और भाई यहाँ पर 24 विकेट भी है। बैटिंग बॉलिंग एक्शन आप इनका देख सकते हो। वहीं अगर बात करें ओजे मैथ्यूज की तो आप यहां पर देख सकते हो 20 मैच में इन्होंने 15 विकेट निकाले हैं। इसके अलावा भाई जेरमी लेने की बात करें तो भाई 21 मैच में आपको 24 विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप मार्क कर सकते हो मस्ट पिक प्लेयर के तौर पर। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो भाई यहां पर आपको दिखेंगे रियान विलियम्स, 27 मैच में 15 विकेट है। इसके अलावा रोमारियो बीबी दिखेंगे, यहां पर आप देख सकते हो गजब का प्लेयर है, लास्ट सीजन काफी अच्छा रहा था, 20 मैच में 16 विकेट है। इसके अलावा निगल स्माल की बात करें 24 मैच में 11 विकेट है, ठीक ठाक प्लेयर रहेगा। कैमरन स्ट्रोक की बात करें तो भाई 19 मैच में 12 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। अब अगर बात करें SPB के प्लेयर्स के स्टेट्स की तो यहां पर भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कैंसले जोसेफ 16 मैच में 77 रन। वहीं अगर बात करें एंसन लाचमैन 24 मैच में 40 रन। वहीं अगर बात करें बैटिंग सेक्शन की तो सुनील एम्ब्रिस दिखेंगे, मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, बॉलिंग भी करवा लेता है बैटिंग भी कर लेता है, CVC का दावेदार रहेगा, 12 मैच में 71 रन है। के नैड की बात करें तो गजब का प्लेयर है, मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, 28 मैच
मैच में 417 रन है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें एटिकस ब्राउनी की, तो आप देख सकते हो 25 मैच में भाई इन्होंने यहाँ पर 118 रन बना रखे हैं। रॉकफोर्ड वॉल्कर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 26 मैच में 163 रन इन्होंने भी निकाल रखे हैं। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सॉरी ऑलराउंडर सेक्शन की, तो आर विलियम्स आपको दिखेंगे 10 मैच में 108 रन बनाए। वहीं अगर बात करें जॉर्डन सैम्यूल आपको दिखेंगे 5 मैच में 3 रन है। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहाँ से बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे भाई आपको तीन बॉलर दिखेंगे, जो भाई सबसे पहले दिखेंगे वो दिखेंगे आपको बेनेटन स्टेपलेटन 39 मैच में 25 विकेट 129 रन भी है। डेरलन जॉनसन की बात करें तो भाई 29 मैच में 27 विकेट है, गजब का प्लेयर है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर रयान जोन की, तो 19 मैच में भाई 118 रन है, 4 विकेट निकाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो ना किसी प्लेयर के स्टैट्स के बारे में, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम आई डी मिल जाएगी, पर्सनल मैसेज भेजकर आप बात कर सकते हो, या इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो, आपका भाई आपके लिए रिप्लाई करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की। उससे पहले एक बार आपको टेलीग्राम दिखा देता हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है वो बता देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले तो भाई आपको वहीं से ट्राई करना है। अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर आप एट द रेट लगाना और ये जो नाम है ना केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट सारे कैपिटल लेटर्स में और बिना स्पेस के ये सर्च कर लेना। 5.5K की फैमिली हमारी जुड़ी हुई है, यहां पर भाई आप इस चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। हमारे नाम पर काफी सारे फेक चैनल है लेकिन उन पर आपको नहीं जाना है, 5.5K की फैमिली वाले चैनल पर ही आपको आना है। अब चले भाई यहां से बात करते हैं ड्रीम 11 की डेमो टीम की। फाइनल टीम में अगेन याद दिला दूं भाई टेलीग्राम चैनल पर ही आई, क्योंकि सबसे पहली बात तो दोनों टीम्स का पहला मैच है, तो यहां पर ज्यादा हम कुछ बात कर नहीं सकते, बाकी देखते क्या होता क्या नहीं होता। यहां पर अगर बात करें डेमो टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए जी पॉप सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहां पर भाई ए लाचमैन और के जोसेफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, के जोसेफ को मतलब जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर लेना। ठीक है, सुनील एम्ब्रिस मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, केनेड मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, डी मेलोनी मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें के ओडजे को आप ट्राई कर सकते हो, एटिस ब्राउनर को ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा भाई आर वॉल्कर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, डेगन डगलस मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, लेविस को आप ट्राई कर सकते हो। नीचे अगर आप आओगे तो भाई आपको दिखेंगे आर विलियम्स, काफी गजब का प्लेयर है, जे लेने आपको ट्राई कर सकते हो, गजब के प्लेयर आपके लिए यहां से होने वाले हैं। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, जो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर भाई बॉलिंग जो इनका बॉलिंग सेक्शन है, यहां पर भाई बैट्समैन भी आपको काफी सारे मिलेंगे। सबसे पहले डेवन जॉनसन और यहाँ पर बी स्टेपलेटन आपको दिखेंगे। इसके अलावा भाई अगर बात करें रोमारियो बीबी की, मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, आप ट्राई जरूर से जरूर करके चल सकते हो, के स्ट्रोक को आप ट्राई कर सकते हो। और अब यहाँ पर आपके लिए एक और ऑप्शन बचता है आर जोन का, आर जोन को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में आकर ओ मैथ्यूज के साथ जा सकते हो। फाइनल टीम भाई मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सुनील एम्ब्रिस की बात करें, कैप्टनसी मैं इनको दे रहा हूँ, ओपनिंग करेंगे, साथ ही साथ भाई यहाँ पर दो ओवर की गेंदबाजी करेंगे। डी डॉगलस की बात करें तो भाई ये अपनी टीम के लिए वन डाउन या फिर ओपनिंग करते नजर आएंगे, और भाई दो ओवर की गेंदबाजी ये भी करेंगे, इनको भी भाई मैं वीसी दे रहा हूं। फाइनल टीम की फाइनल अपडेट मेरे भाई मैं टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाऊंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी कभी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूं आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।